क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंसेप्ट ऑफ द मेजर गेम्स। टुडे हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हैंडबॉल। हैंडबॉल एक गेम है दैट हैज टू फॉर्म। एक तो होता है डानिश वर्जन, डेनमार्क वर्जन जिसको बोलते हैं, डेनमार्क वर्जन ऑफ गेम। दूसरा होता है जर्मन वर्जन ऑफ गेम। जो डेनमार्क वर्जन ऑफ गेम था वो थोड़ा सा अलग था जर्मन वर्जन की तरफ। डेनमार्क वर्जन में देयर आर ओनली 7 प्लेयर्स एंड इन जर्मन वर्जन टीम्स वी आर कंपोज्ड ऑफ 11 प्लेयर्स। हैंडबॉल की अगर हम बात करेंगे, हैंडबॉल इज एन एंशिएंट गेम बट इट वाज ओरिजिनेटेड इन जर्मनी इन 19th सेंचुरी में ये गेम ओरिजिनेट हो गई जर्मनी में। एंड द फाउंडर ऑफ दिस गेम इन जर्मनी वॉज कनोड कोच। कनोड कोच KNARD COCH कनोड कोच। कनोड कोच वॉज ए जिमनास्ट टीचर, जिमनास्टिक टीचर। ही फाउंडेड दिस टाइप ऑफ गेम बट ही फाउंडेड दिस गेम ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। ही फाउंडेड दिस गेम, कनोड कोच फाउंडेड दिस गेम इन जर्मनी इन 19th सेंचुरी बट द सेम फॉर्म ऑफ गेम वॉज डेवलप्ड इन डेनमार्क। द फाउंडर ऑफ दिस गेम इन डेनमार्क वॉज फ्रेडरिक नेडसन। को जर्मनी वर्जन ऑफ गेम वॉज फाउंडेड बाय कनोड कोच एंड दानिश वर्जन ऑफ गेम वॉज फाउंडेड बाय फ्रेडरिक नेडसन एट डेनमार्क। बट After that, at the International Amateur Federation, when International Amateur Federation was founded in 1928, during that game, the German type of game was also demonstrated in Olympics in 1936. But after that, the German form becomes much more famous. Against the Danish system of Danish type of handball. The German Handball Association was also found and after that in 1936 mein pehli baar demonstrate kiya gaya handball ko in Olympics events and after that it was included in 1972 jaise wo miniature games hua tha International Handball Federation was formed in 1928 and first it was demonstrated in Olympics in 1936 mein demonstrated gaya but in 1972 mein isko kya kiya gaya, it was included in Olympic games and for women it was included in 1972 mein men's ke liye na। Agar hum general rules ki baat karenge, team hota hai isme team। A team is consists of the 12 players in which 7 are playing and 5 are reserve players। क्या होते हैं 12 players होते हैं जिसमें क्या होता है the players must be listed on the score sheet and 7 are playing, 5 are additional players। Substitutions होते हैं the positions of जैसे कि फुटबॉल में होती है similar like that the positions of the players होती है जैसे कि एक goalkeeper होता है center half right of the center left back of the center forward right and left wings होते हैं। जैसे कि गोल कीपर होता है सेंटर हाफ होता है सेंटर हाफ का राइट होता है और लेफ्ट होता है और सेंटर फॉरवर्ड सेंटर बैक सेंटर फॉरवर्ड होते हैं और उनके राइट और लेफ्ट होते हैं। अगर हम ड्यूरेशन ऑफ द गेम की बात करेंगे 30 मिनट का ड्यूरेशन होता है 10 मिनट का ब्रेक होता है फिर 30 मिनट का ड्यूरेशन होता है बट इन केस ऑफ फीमेल इन केस ऑफ यंग चिल्ड्रेन वी कैन सी द ड्यूरेशन इज 25 मीटर 10 मिनट्स इज रेस्ट एंड 25 मिनट्स। मतलब टास्क जो इसका होता है व्हेन वी चूज द टास्क में ये होता है वेदर दे यूज द बॉल अगर वो ये ऑफेंस चूज कर सकते हैं या कोर्ट चूज कर सकते हैं। द गेम इज स्टार्टेड बाय विसल
एक विसल से गेम स्टार्ट होती है एंड द कोर्ट ट्राइज टू पॉज द बॉल इन द अपोनेंट्स कोर्ट में चेंज करें प्लेइंग द बॉल. अब ये होता है नया गेम है, इसका कंसेप्ट होने खेला कैसे जाता है. इसको हाथ में लिया जाता है जैसे बास्केटबॉल होता है, तो इसको ड्रिबल किया जाता है. ड्रिबल के साथ साथ ही इसको आगे ले जाया जाता है टू स्कोर द गोल, इसके गोल को स्कोर करने के लिए. अ प्लेयर कैन प्ले इन एनी मैनर बाय एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. किसी भी बॉडी से टच हो जाएगा, किसी भी पार्ट के साथ, बॉडी पार्ट के साथ टच हो जाएगा. किसी भी हाथ से खेल सकता है, बॉडी पे भी लग सकती है, कोई टेंशन नहीं. बट देयर इज अ वायलेशन एक्सेप्ट बिलो द नीज इफ द बॉल टच एक्सेप्ट बिलो द नीज. अगर नीज के नीचे बॉल टच हो गई दैट विल बी कॉल्ड अ फाउल. ड्रिबल करके इट मे बी स्ट्रक ऑन अवर चेस्ट, शोल्डर्स, हेड, आर्म्स, एब्डोमेन. इस पे अगर ये टच कर सकता है देयर इज नो ऑफेंस, देयर इज नो फाउल, देयर इज नो वायलेशन. बट ओनली द वायलेशन इज इफ इट टच बिलो द नीज. अगर ये नीज के नीचे से टच करेगा द बॉल कैन मतलब हेल्ड, वी कैन हेल्ड द बॉल. जब हम ड्रिबल करने के लिए हाथ में बॉल ले लेंगे वी कैन हेल्ड इट फॉर थ्री सेकेंड्स. इफ अगर हमने 3 सेकेंड के लिए बॉल को रेस्ट किया अपने हाथ में, ड्रिबल नहीं किया साथ में, इफ वी डिड नॉट मतलब क्या इफ वी डिड नॉट मूव विद द बॉल विद इन द 3 सेकेंड्स देन दैट विल बी कॉल्ड अ फाउल. एक फ्री थ्रो दिया जाएगा अपोनेंट टीम को. इफ वी हेल्ड द बॉल एंड वी आर रनिंग, वी आर रनिंग, हम चल रहे हैं, ड्रिबल कर रहे हैं, दैट विल बी नो फाउल, फिर फाउल नहीं है. इफ द बॉल बाउंसड वंस रिपीटेडली विद द आइदर हैंड्स व्हाइल मूविंग लाइक अ ड्रिबल इन बास्केटबॉल, फिर कोई फाउल नहीं है, फिर कोई वायलेशन नहीं है. बट if the ball touched by a defensive player except the goalkeeper and travel across, if a ball is intentionally touched by a defensive player, hum goal karne ke liye jaye kisi khiladi ne zabardasti rokne ki koshish ki is ball ko, if we throw a ball to goalkeepers towards goalkeeper, if someone else tries to stop the ball except the goalkeeper ke bagair, then there will be a side throw. और एक होता है गोल एरिया, मतलब गोल एरिया इज एरिया दैट इज मतलब क्या कंपटीटिव, वो किसको दिया जाता है, इसको दिया जाता है गोलकीपर को ही दिया जाता है. पेनल्टी थ्रो तभी दिया जाता है जब कोई ऑफेंस हो, मतलब मोस्ट ऑफेंस नियर अबाउट द गोल एरिया में अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो उस वक्त के पेनल्टी थ्रो दिया जाता है. पेनल्टी थ्रो 7 मीटर से फेंका जाता है, मतलब फ्री थ्रो होता है कि अगर कोई पेनल्टी कोई वायलेशन हो जाएगी फिर क्या देते हैं, फ्री थ्रो देते हैं. मतलब फ्री थ्रो में क्या होता है 10 फीट से फेंका जाता है. मतलब देयर आर ऑल प्लेयर्स आर नियर अबाउट द फ्री थ्रो. तो बट पेनल्टी थ्रो के साथ ओनली देयर इज गोल की. थैंक यू.